वेलकम फ्रेंड्स, अभी हम शियर वॉल का डिज़ाइन देखेंगे। उसके पहले हमें कॉलम, बीम, फ्लोर्स ये ऑफ कर देने हैं। अभी शियर वॉल ही दिख रही है अभी इसमें। अभी हम गए डिज़ाइन में, शियर वॉल डिज़ाइन, व्यू रिवाइज प्रेफरेंसेस। यहाँ पे भी वैसा ही डिज़ाइन कोड IS 456। रीबार मटेरियल देखो, यहाँ पे रीबार हमें HYSD 500, रीबार शेयर मटेरियल, यहाँ पे भी HYSD 500, गामा स्टील, गामा कंक्रीट, ये एज इट इज़, बाकी सब एज इट इज़ और ओके। फिर से शेयर वॉल डिज़ाइन, रीबार सिलेक्शन रूल्स फॉर वॉल पियर्स एंड वॉल स्पैंड्रेल। अभी स्पैंड्रेल तो नहीं है, सिर्फ पियर्स है हमारे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बार साइज 12 mm, लार्जेस्ट बार साइज, ये वर्टिकल बार से अनकन्फाइनमेंट जोन की। तो यहाँ पे लार्जेस्ट बार साइज हम दे देते हैं 20 mm, प्रीफर्ड कॉर्नर 12 करके देखते हैं, मिडल साइज भी 12 देखते हैं, स्पैनिंग ये ठीक है 300 यहाँ पे कर देते हैं, वैसे ही 12 और उसके बाद 20, उसके बाद है 12 12, 75 एंड 300 ट्रांसवर्स बार्स, ट्रांसवर्स ये 8 mm, और ये भी लार्जेस्ट बार साइज प्रीफर्ड बार साइज ये 8 ही रख देंगे हम, 75 300। स्ट्रेट बार अरेंजमेंट यहाँ पे वो बोल रहा है स्ट्रेट यू एंड स्ट्रेट एंड हुप्स, तो यहाँ पे आपके चॉइस के अनुसार आप रख सकते हैं, अभी फिलहाल स्ट्रेट ही रखते हैं। यहाँ पे 8 8 8, 75 एंड 300 स्ट्रेट बार साइज, बार अरेंजमेंट स्ट्रेट, या तो फिर हम हुप्स भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दिया। फिर से गए हम शेयर वॉल डिज़ाइन में, जनरल डिफाइन जनरल पेयर सेक्शंस, तो ये कुछ करने नहीं है। कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हमने 15 से लेके 26 तक, या 25 तक, 26 तक, बराबर 26 तक ले लेना है यहाँ पे, और इसको भी ले लेना है यहाँ पे, और इसको कर देना है ओके। और उसके बाद फिर स्टार्ट डिजाइन चेक, देखो वो एक 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 कर रहा है। देखो इसने कर लिया है, ये इसने डिजाइनिंग कर लिया है। अभी हम उसका चेक देखेंगे। एनालिसिस एंड डिजाइन सेक्शंस मैच फॉर ऑल एरिया ऑब्जेक्ट्स।
डिस्प्ले डिज़ाइन इनफो। यहाँ पे अभी ये जो एरिया जो दिखा रहा है ये लॉन्जिट्यूडिनल बार्स का है, तो हमें शियर का अगर देखना है पियर शियर एनफोर्सिंग तो ये शियर का भी दिखाएगा वो। वैसा ही कंक्रीट फ्रेम जो है कॉलम और बीम उसके लिए भी वही यही कमांड है, बट वो उस वाले इसमें है। ये सारे क्राइटेरियाज जो है वो दिखाता है, ये रेशियोज दिखाता है वो। बट इसमें हमें देखना है लॉन्जिट्यूडिनल रेनफोर्सिंग एंड शियर रेनफोर्सिंग, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। शो ऑल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैं गया कॉलम बीम फ्लोर्स, ये ऑन हो गए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन देखें, ये परफॉर्म द डिज़ाइन एंड चेक वेदर एनी मेंबर इज फेलिंग इन द डिज़ाइन, तो हमारे सब मेंबर पास हो गए हैं। इफ द मेंबर इज फेलिंग तो क्या करना है वो मैंने आपको बताया ही पहले से, साइज जो है उस सेक्शन की वो बढ़ानी है और फिर से एनालिसिस परफॉर्म करना है, एनालिसिस के सारे चेक्स वो देख लेने हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उन चेक के ऊपर, बट एक बार नज़र मार लेना है और फिर डिज़ाइन करना है। स्टार्ट डिटेलिंग और मैन्युअली प्रिपेयरिंग द स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, ये देखना है। उसके पहले ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये दिखा देता मैं, चेक द रिएक्शंस एंड एक्सपोर्ट। अभी रिएक्शन कैसे देखने हैं ना, वो एक्चुअली एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें ना रिएक्शंस, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है वो मैं आपको बताऊंगा।